अवसर है कि हम भाई सैमुएल पॉल दिनाकरन के द्वारा युवाओं के लिए दिए गए विशेष संदेश के एक भाग को सुनकर और प्रार्थना में शामिल होकर आशीष प्राप्त करें। My friends, we all know the topic. मेरे प्रिय मित्रों, हम अपने शीर्षक को जानते हैं। This is the age of the youth. यह तो युवाओं का समय है। This is the age which we have so much energy. और यह जो समय होता है उसमें हम में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। We have so much in us to do a lot of things. और हमारे पास इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि हम बहुत से काम कर सकते हैं। So much potential. और हम में कई कामों को करने की इतनी ज्यादा क्षमता होती है। And so this age is very important. इसलिए यह जो युवाओं का समय है बड़ा महत्वपूर्ण है। That is why we said if not now then when can we enjoy? और इसीलिए तो हमने ये कहा कि अगर इस युवा अवस्था में नहीं तो हम कब जीवन का आनंद लेंगे? Something that you understand from looking at the youth is अगर आप युवाओं को देखें तो कुछ ऐसी चीज जिसको कि आप देखकर अच्छी तरह समझ सकते हैं वो ये है They don't care about what is going to happen to them after 20 years. वह यह है कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि 20 साल के बाद क्या होने वाला है। They don't even care about what's going to happen to them tomorrow. वे इसकी भी चिंता नहीं करते कि कल उनके साथ क्या होगा। They do things at the moment. और वे हर एक कामों को तत्काल करते हैं। They do things which they find good at present. और जो भी उन्हें अच्छा लगता है वो उसी समय से करते हैं। They don't care about what is going to happen if they do something. उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि अगर वो कुछ करेंगे तो उन्हें क्या होगा। We go through a lot of emotional changes. हम जो अपने जीवन में कई प्रकार की भावनात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं। Sometimes we don't know which one is real. और कई बार हम नहीं जानते कि हमारे कौन सा अनुभव जो है वो सच्चा है। Thirdly, और तीसरी जो बात है, young people choose what is pleasurable to them. जवान जो है उन चीजों को चुनते और अपनाते हैं जिससे उन्हें आनंद मिलता है। They look at things and whichever thing they find very pleasurable and whichever thing they think they will enjoy the most, they choose. जब वो किसी भी चीज को देखते हैं तो वो आंकते हैं कि उनमें से कौन सा ऐसा काम है जो उन्हें सबसे ज्यादा आनंद देगा और ऐसे ही काम को वो अपने लिए अपना लेते हैं कि वो उसका आनंद लें। In what situation we're actually living in this world? आज हम वास्तव में संसार में किन परिस्थितियों में जी रहे हैं? What is the attitude of young people? आज जो जवान है उनका स्वभाव या तरीका क्या है? So that's how young people have to live in this world. तो जो जवान है आज उनको इस संसार में ऐसे ही जीना है। Among such a character, ऐसे ही चरित्र को लेकर के भी जीते हैं। Among such an attitude, और ऐसे ही स्वभाव के साथ वो आगे बढ़ते हैं। But let me tell you right now how God wants you to be. लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो परमेश्वर की इच्छा है वो आपके लिए क्या है। What God will do for you in this world. और इस संसार में परमेश्वर आपके लिए क्या करना चाहता है? In John 4:14, यूहन्ना 4:14 में हम देखते हैं। He says, "Whoever drinks the water I give him." वह कहता है कि जो कोई उस जल से जो मैं उसे दूंगा पिएगा, will never thirst. वह फिर कभी प्यासा न होगा. And the water I give him, और जो जल मैं उसे देता हूँ, will become a spring of water welling up to eternal life. वह उसके अंदर एक अनंत जीवन का सोता बनकर उमड़ने लगेगा। Whoever drinks the water that I give him will never thirst. जो कोई उस जल को जो मैं उसे दूंगा पिएगा तो कभी प्यासा न होगा। That's how the water I give is. और जो पानी मैं देता हूँ वैसा ही होता है। We see these two things in this verse. इन वचनों में हम इन दो बातों को देखते हैं। God satisfies us with great abundance. परमेश्वर हमें महान प्रचुरता के साथ आशीषित करते हैं। We will never thirst. हम उसके बाद फिर कभी प्यासे ना होंगे। Once we drink his water. एक बार जब हम उसके उस जल को पी लेते हैं। We will never really want anything. फिर हम उसके बाद किसी और चीज की चाह ही नहीं रखेंगे। Once we taste God. एक बार जब हम परमेश्वर को चख लेंगे। That's why he says. और इसलिए वो कहता है। Come drink the water that I have for you. जो जल मैंने तुम्हारे लिए रखा है आओ और तुम उसको चखो और पियो। Come and taste. आकर उसे चख लो। Come and taste me. आकर मुझे चख लो। And see that if you really want anything else. और उसके बाद तुम जांचो और देखो कि क्या तुम्हें सचमुच में मेरे छोड़ कुछ और भी चाहिए। As one more thing he says. एक बात और वो कहता है। He says if you drink the water that I give you. वो कहता है कि अगर जो जल मैं तुम्हें दूँ तुम पियोगे। You will have the hope of eternal life. तो वो कहता है कि तुम अनंत जीवन की आशा को अपने अंदर में प्राप्त करो। Repent. मन फिराओ। Repent before it's too late.
इसके पहले कि विलंब हो तुम सब अपना मन फिराओ। The kingdom of God is near for us as well. क्योंकि हमारे लिए भी परमेश्वर का राज्य जो है अति निकट है। It's not going to take 2000 more years. उसके लिए अब फिर से 2000 साल नहीं लगेंगे। It's very close. वो बहुत ही निकट है। It's very near. बहुत ही पास है। We don't know when he'll come. हम नहीं जानते कि वो कब लौटेगा। But when he comes, लेकिन जब वो आएगा, we must say, तो हमें कहना है, Lord, I have thirsted and I have received your waters of eternal life. प्रभु जी, मैं आपके उस अनंत प्रेम के लिए प्यासा था और मैंने आपके उस प्रेम के जल को पाया है। I have come back to you, Lord. मैं आपके पास लौट कर आया हूं प्रभु जी। I have taken a U-turn back to you, Lord. मैंने अपने जीवन में एक पलटा खाया है और आपकी ओर मैं लौट आया हूं प्रभु। My life will not be destroyed. अब मेरा जीवन नाश नहीं होगा। Because I have received the waters which gives me eternal life. क्योंकि मैंने उस जीवन के जल को पा लिया है जो मुझे अनंत जीवन देता है। Right now, God is willing to give you those waters. लेकिन परमेश्वर इसी समय उस जल को आपको देने का इच्छुक है। You will never thirst again for anything. और उसके बाद आपको किसी चीज की भी प्यास न होगी। Shall we pray? I am heartened. Loving Lord Jesus, praying for Yeshu. Right now, we submit all. इसी समय हम सब के सब अपने हृदयों को आपको सौंपते हैं पिता। We give our hearts and souls to you right now, Lord. हम अपने हृदय और प्राण आपको सौंपते हैं पिताजी। Lord, we don't want to end up in hell. प्रभु जी, हम नहीं चाहते हमारा अंत उस नरक में हो। We don't want to burn in hell, Lord. हम उस नरक में जलना नहीं चाहते। Satan might try to blind us from such things. शैतान चाहे उन ऐसी वास्तविकताओं से हमारे आंखों को अंधा करने की कोशिश करे। Lord, but help us and protect us from Satan. लेकिन आप हमारी रक्षा करें, सहायता करें उस शैतान से। Protect us from his words. शैतान के कामों से हमें आप बचाएं। Protect us from his plans, Lord. उसकी योजनाओं से आप हमें बचाएं। Lord, let him not pull us down. ऐसा न होने दे प्रभु जी कि वो हमें गिरा दे। Save us, Lord. हमारी रक्षा करें प्रभु। As we are submitting ourselves right now to you, please save us. इस समय जब हम अपने आप को आपके हाथ में सौंप रहे हैं प्रभु जी, आप हमारी रक्षा करें। Wash us with your blood and make us your children, Lord. हमें अपने लहू से धो करके अपनी संतान बनाएं। And more importantly, help us to live with you, Lord. सबसे बड़ी बात, हमारी सहायता करें, हम आपके साथ जिएं प्रभु जी। We find it very difficult with the distractions in this world. इस संसार के विनाश के साथ में और परेशानियों और लालसाओं के साथ ये तो बहुत कठिन है प्रभु। Let no temptation be able to touch us, Lord. कोई भी परीक्षा में कभी छूना न पाए प्रभु जी। Declare us as your children. हमें अपने संतान के रूप में घोषित करें। Put your name in our forehead and save us. आप अपना नाम हमारे माथे पर लिखें और हमें बचाएं। Let us rejoice and praise you in heaven, Lord. ताकि हम आपके साथ प्रभु जी आनंद मनाएं स्वर्ग में और आपकी उपस्थिति में। Prosper your children and help them in everything they're suffering with. अपने बच्चों को आप उन्नत करें और हर एक बातों में जिसमें वो पीड़ा में प्रभु जी आप उन्हें निजात दें। Help them in their time of sickness, strengthen them, Lord. उनकी बीमारी के समय उनकी सहायता करें और प्रभु जी आप उन्हें चंगाई दें। Let it not take away the faith in you. उन्हें दें कि वो के विश्वास को आपसे न हर ले। Save them. उन्हें बचाएं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen.